ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर पद से अजय मिश्रा को हटा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाकी दो कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिनों की मोहलत दी है। उधर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट से पहले हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में मंदिर को लेकर तमाम दावे कर रहा है। अब कोर्ट में नई याचिका लगाकर उस जगह से मलबा हटाने और दीवार गिराने की मांग की गई है, जिस जगह शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इस याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दो दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या वजह? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा। निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे, इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था। उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। सर्वे टीम से हटाए जाने के बाद अजय मिश्रा ने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं। अजय मिश्रा ने कहा कि उन पर कार्रवाई मुस्लिम पक्ष के कहने पर नहीं हुई, बल्कि विशाल सिंह के कहने पर उन्हें हटाया गया। अजय मिश्रा ने कहा कि खुद उठने के लिए किसी और को गिराना नहीं चाहिए। मैं अपने आप में सही था, अगर मुझसे दिक्कत थी तो आकर बात करनी चाहिए थी। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वहां कोई शिवलिंग है तो डीएम ये सुनिश्चित करे कि मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी जानबूझकर करती है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में या तो बीजेपी खुद होती है या उनके अदृश्य मित्र होते हैं, क्योंकि बीजेपी बुनियादी सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करती। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसे सभी को मानना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है और किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे, क्योंकि ये भारत के जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन को बड़ा निर्देश दिया है। मोहन भागवत के दौरे पर ममता बनर्जी ने पुलिस को दो टूक कहा है कि कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए, किसी भी कीमत पर दंगे नहीं भड़कने चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि नजर रखे, पूरी सुरक्षा दीजिए जिससे वो दंगे न भड़काए। हो सके तो कुछ मिठाइयां और फल भी भेज दें ताकि पता चलना चाहिए कि हम अपने मेहमानों का ध्यान रखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर ये बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब कश्मीर में हाल ही में कश्मीरी पंडितों समेत टारगेट किलिंग के मामलों में इजाफा हुआ है। इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का भी जायजा लिया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। पता जा रहा है कि सीबीआई ने कुल 9 जगहों पर छापे मारे। तमिलनाडु और मुंबई में 3-3 जगहों पर छापेमारी हुई, वहीं पंजाब, कर्नाटक और ओडिशा में 1-1 जगहों पर छापे मारे गए। आरोप है कि कार्ति चिदम्बरम ने एक प्रोजेक्ट के लिए चीनी वर्कर्स को वीजा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए की घूस ली। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जमानत के लिए दलीलें पेश की। वहीं यूपी सरकार के अधिवक्ता ने आजम खान की जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
आम लोगों पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है। खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने थोक महंगाई की दर 15.08% रही। साल भर पहले यानी अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74% थी। इससे पहले मार्च महीने में थोक महंगाई की दर 14.55% रही थी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर आज एक और सुनवाई है। पूजा की मांग करने वाली महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में नई अर्जी दाखिल कर दी है। आज उसी अर्जी पर सुनवाई है। नई अर्जी में कहा गया है, ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में नंदी जी के सामने व्यास जी के तहखाने में एक अस्थायी दीवार है, उसे हटाकर शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए, साथ ही शिवलिंग वाली जगह के आसपास का मलबा हटाया जाए। अर्जी लगाने वाली महिला वादियों का कहना है कि चूंकि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं, इसलिए पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही एक और अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। ये अर्जी सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे ने लगाई है। इसमें तीन मांग की गई है। कहा गया है कि जगह सील होने से नमाजियों के लिए कई दिक्कतें हो गई हैं, इन्हें दूर किया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट बात कहा है कि आपके आदेश से तत्काल सील कर दिया गया है। 9 जालीदार दरवाजों का ताला बंद कर कोषागार में चाबी जमा कर दी गई है, परंतु निम्नलिखित 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु वो ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा जिस परिसर को सील करने का आदेश पारित किया गया है वो मानव निर्मित 3 फीट का गहरा तालाब है, जिसके चारों तरफ पाइपलाइन व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर के सील होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। ज्ञानवापी समेत तमाम दूसरे मुद्दों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को कानूनी मदद देने का फैसला किया है। बोर्ड को लगता है कि ज्ञानवापी और ऐसे ही मुद्दों पर लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही, इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का भी फैसला किया है।